नमस्कार दोस्तों, सेंट सोल्जर टाइम्स से मैं हूं कोमल और आप देख रहे हैं सेंट सोल्जर टाइम्स। तो आज हम पहुंचे हैं जी सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आज वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो चलिए देखते हैं खास आज की योगा क्लास। योगा डे है और ये पूरे विश्व को भारत की देन है। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी यूनाइटेड नेशंस में जाकर एक जो योगा डे है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहाँ पे योगासन कर रहे हैं। इसी तरह से पूरे भारतवर्ष में हर स्कूल कॉलेज के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये जो योग है उसको बढ़ावा देने के लिए ये प्रयास किया जाता है। और आप सब जानते हैं कि सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा शिक्षा का अदारा है, हमेशा से ही आगे रहा है इस तरह के जो प्रयास रहते हैं और उनको लोगों तक पहुंचाने का। इसलिए आज हमने योगा डे को यहाँ पे सेलिब्रेट किया, जिसके अंदर हमारे जो जितने भी फैकल्टी मेंबर्स थे, स्टाफ के सदस्य थे, हमारे रिस्पेक्टेड डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल्स हैं, उन सब ने इसमें योगा डे में पार्टिसिपेट किया। स्पेशली जो योगा ट्रेनर हैं डॉक्टर मीनाक्षी, जिन्होंने आके हमें योगशाला में पूरी अपनी जो क्रियाएँ हैं वो करवाई, उनके साथ मिस्टर विवेक जो कि आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं, उन्होंने आकर एक जो संदेश है वो भी यहाँ पर दिया कि किस तरह से योग करके हम स्वस्थ रह सकते हैं।
आज का सिर्फ यही प्रयास था कि सेंट सोल्जर जो एक परिवार है वो पूरी तरह से स्वस्थ रहकर और देश की जो सेवा कर रहा है पढ़ाई के क्षेत्र के अंदर, वो इस तरह से अपनी सेवाएं जो हैं स्वस्थ रहकर वो देता रहे। हम सभी जानते हैं कि भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति जो है वो बहुत ही पुरानी भी है और बहुत रिच है, और योग उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऋषि पतंजलि जी ने जो सारा योग के बारे में बताया है और उन्होंने जो योगिक क्रियाएं बताई हैं, उससे हमारा ना केवल शरीर, मन और हमारा दिमाग जो है वो स्वस्थ रहता है। तो जब हम मन और दिमाग से स्वस्थ रहेंगे तो हम अच्छी तरह काम कर सकते हैं। मैं बहुत धन्यवादी हूँ अपने MD सर का और ख़ास करके डॉक्टर मीनाक्षी और विवेक जी का, जो यहाँ आए और हमारे सब सदस्यों को उन्होंने इस योगशाला में योगिक क्रियाएं भी बताई, श्वास क्रियाएं बताई और हमें स्वस्थ रखने के लिए जो प्रयास करने चाहिए वो सब बताए। धन्यवाद। आज सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में योगा डे सेलिब्रेट किया गया, जो कि वर्ल्ड योगा डे है, और कहते हैं योग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी योग गुरु मीनाक्षी, डॉक्टर मीनाक्षी जी। तो चलिए उनसे करते हैं बातचीत। मैम, कैसा लगा आपने आज सबको योगा करवाया? बहुत अच्छा लगा जी। पहले तो आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं डॉक्टर हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, चंडीगढ़ से। साथ में मैं आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से भी जुड़ी हूँ, जिसके माध्यम के द्वारा हम बहुत लोगों को योग सिखाते हैं, ध्यान सिखाते हैं, सुदर्शन क्रिया श्वास लेने की प्रक्रिया है वो सिखाते हैं जी। और उसके द्वारा लोगों का मन शांत होता है, सेहत अच्छी होती है, चेहरे पे मुस्कान आती है, जिससे उनके जीवन की क्वालिटी बेटर होती है जी। और यही चीज़ ने मेरे जीवन में की क्वालिटी को भी बहुत बेटर किया, प्रोफेशनली, पर्सनली, मेरे रिलेशनशिप्स को जी। तो यही चीज़ बस अपनों से और औरों से शेयर कर रहे हैं जी। क्या कहना चाहेंगे वर्ल्ड योगा डे पे? वर्ल्ड योगा डे पे मुझे लगता है आज का डे नो डाउट एक स्पेशल दिन है, इंटरनेशनल योगा डे है, और हिंदुस्तान की USP, जैसे हर देश की एक USP होती है, जापान की USP टेक्नोलॉजी है, इंग्लैंड की USP स्मार्टनेस है, राइट, USA की USP फास्टनेस है, ऐसे हिंदुस्तान की USP योग है, अध्यात्म है जी, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि योगा केवल एक दिन में नहीं, रोज़ हर पल करने की चीज़ है। योग केवल शरीर के लेवल पे नहीं, मुझे ऐसे लगता है जीना ही योग है। इस समय हम यहाँ खड़े हैं, बात कर रहे हैं, क्या मैं यहाँ पे सिर्फ शरीर के लेवल पे खड़ी हूँ या मेरा मन भी यहाँ पे है? बिल्कुल। सो योग हर चीज़ में, हर लेवल पे हम योग से ही जीते हैं। इट्स नॉट अ डूइंग, इट्स अ हैपनिंग, दैट्स व्हाट आई फील। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। डॉक्टर मीनाक्षी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया कि योग आपकी ज़िंदगी में बहुत क्वालिटी, बहुत मायने रखता है। तो आप योग किया कीजिए, हमेशा तंदुरुस्त रहिए और सबको योग करवाया कीजिए। तो बने रहिए सेंट सोल्जर टाइम्स में। खास स्टोरी देखने के लिए कैमरामैन विनोद के साथ कोमल।